नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्पीड अनलॉकर में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जो है क्लास टेंथ की जो हाइट एंड डिस्टेंस है एनसीईआरटी की बुक कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग का 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अगर आप लोगों ने बेसिक ना देखा हो तो इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखें, ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको पिछली वीडियो आपकी मिल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले दिया क्या क्या गया है। हमने कहा है कि ऊंचाई और दूरी में सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और ये देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, अर्थात एक मीनार है आपके पास, एक मीनार है और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। ठीक, तो अगर हम ए बी एक मीनार मान लें तो इसके 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु सी है, ठीक, जिसका उन्नयन कोण यानी कि मीनार के इस बिंदु से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ये 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे यच। अब देखिए हमको यच का मान ज्ञात करना है। हमने कहा क्या कि यच अपान क्या मान दिया गया है? बीसी, अर्थात एबी, एबी हमारा क्या है? लंब, और बटे बीसी क्या है? आधार। तो इसका मतलब कि ऐसा कोई सूत्र बताइए जो लंब बटे आधार पर हो। तो हमने कल बताया था लाल बटे कक्का, तो यहां पे यल अपान के आपका यस है, उसके बाद फिर सी है, उसके बाद फिर टी है। तो यल अपान ए अर्थात टी, टी का मतलब टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब आपको दिए हैं यच, आधार आपको दिए हैं 30 और थीटा मान है 30 अंश, यानी कि टैन 30 अंश बराबर यच बटे 30। फिर यहां से देखिए टेन 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर यच अपान 30। यहां से जब गुणा कर देंगे तो √3 यच बराबर 30 इकन्ना 30, तो यच बराबर 30 और ये गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुणा कर लेंगे तो यच बराबर ये हो जाएगा 30 √3 और बटे इसका गुणा करेंगे तो 3। देखिए √3 से √3 कट जाएगा, फिर आपका वही चीज आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा यच बराबर 3/30 यानी कि 10√3 मीटर, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए यहां जमीन है, 60 मीटर की ऊंचाई पर यहीं पर एक पतंग उड़ रही है। कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये हमको कितना दिया गया है? 60 मीटर दिया गया है, अर्थात हम इसको मान लें ए बी। तो ए बी हमको 60 मीटर दिया गया है। फिर आगे कह रहा है पतंग में लगी डोर स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दी गई है, अर्थात जो इसमें डोर लगी है इसको भूमि में एक बिंदु से बांध दी गई है। मान लीजिए बिंदु सी है, वहीं से बांध दी गई है डोर। ठीक, क्योंकि पतंग, देखिए पतंग को अगर हम कहीं बांध लेंगे तो चूंकि पतंग सीधा नहीं उड़ती, तिरछा उड़ती है, तो पतंग उड़ रही है इसको डोरी से बांध दिया गया है और पतंग की जो ऊंचाई है जमीन से वो 60 मीटर है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है? 60 अंश है। तो हमको ज्ञात करना है कि यदि मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक, क्या ज्ञात करना है? हमको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात एसी का मान हमको निकालना है। तो एसी का मान निकालना है हमको। ठीक, दिए क्या है? ए बी दिए हैं, तो ए बी और एसी यानी कि ए बी बटे
एसी, ऐसा कोई सूत्र बताइए। तो एबी, एबी अर्थात क्या है हमारा, लंब है, एबी हमारा लंब है। मैंने कहा था कि कोण के सामने वाली भुजा लंब भुजा कहलाती है, और एसी, एसी हमारा कर्ण है। तो ऐसा कोई सूत्र बताइए जो लंब बटे कर्ण होता हो। तो हमने बताया है, तो यहां पे यल अपान की हमारा क्या है साइन, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और बराबर एबी अपान रूट थ्री। तो देखिए थीटा का मान हमको 60 अंश दिया है, अर्थात साइन 60 अंश बराबर लंब, लंब का मान दिए हैं 60 और बटे कर्ण, कर्ण यानी कि हमको क्या दिया गया है एसी, तो 60 बटे एसी। और हमको पता है कि साइन 60 अंश का मान होता है अंडर रूट थ्री अपान टू, तो साइन 60 अंश की यहां पर लिख लेंगे अंडर रूट थ्री अपान टू बराबर 60 अपान एसी। तिरछा गुणा कर देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट थ्री एसी बराबर 60 दूना 120, या फिर यहां से एसी का मान निकालेंगे तो 120 और ये गुणे में है इधर जाएगा बटे रूट थ्री। अब देखिए यहां पे रूट थ्री है, तो रूट थ्री से हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे अंडर रूट थ्री अपान अंडर रूट थ्री। तो देखिए मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा और हमारा काम भी बन जाएगा। तो एसी बराबर हो जाएगा 120 अंडर रूट थ्री अपान अंडर रूट, में अगर कोई दो मतलब कोई संख्या दो बार लिखी है तो उसको बिना रूट के एक बार लिख सकते हैं। इसको जब काटेंगे तो 3 × 4 = 12 अर्थात 40 अंडर रूट 3 मीटर। तो जो डोरी की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 अंडर रूट 3 मीटर, यही आ जाएगा हमारा आंसर। इसमें कहीं दिक्कत हो तो आप एक बार वीडियो बैक कीजिए, बैक करके देखिए। और एक चीज और, आप थोड़ा बताया कीजिए हमें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर किया कीजिए, धन्यवाद। अब चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, तो बताइए कि भवन की दूरी क्या होगी। तो चलिए देखिए, एक भवन है, एक भवन है, ठीक, यहां मानते हैं एक भवन है आपका, मान लीजिए कि ए बी एक भवन है और एक लड़का है, लड़का जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक, ये चीज है, एक लड़का है और एक भवन है, अर्थात लड़का ये है और भवन ये है, जो कि मकान से कुछ दूरी पर है, कितनी दूरी पर है यह हमको नहीं पता है। तो मान लीजिए लड़का बिंदु सी पर है, ठीक, तो कह रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। लड़का इधर से इधर आ रहा है, जब यहां पर देखता है तो यहां पर इसका उन्नयन कोण कितना था, यहां पर इसका उन्नयन कोण था 30 अंश, कितना था 30 अंश। तो पहले उन्नयन कोण 30 अंश था, उसके बाद लड़का ऐसे चलते चलते चला आता है, लड़का पहुंचता है यहां, और लड़का जब यहां पहुंचता है तो इसका उन्नयन कोण 30 अंश के बजाय कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो इसको हम ऐसे अगर हम एक लाइन खींच दें तो पहले उन्नयन कोण 30 अंश था और अब उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और हमको दिए हैं कि जो लड़का है, लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, यानी कि जो लड़का है वो 1.5 मीटर लंबा है, और जो मकान है, मकान हमारा कितना है, मकान 30 मीटर ऊंचे भवन, तो मकान जो है, मकान हमारा 30 मीटर है और लड़का जो हमारा है वो 1.5 मीटर। तो ये बताइए कि इसको आप मान लीजिए क्या, इसको आप मान लीजिए डी, ए बी सी और डी, और इसको आप मान लीजिए ई। तो चलिए हम दूसरे कलर से मान लेते हैं, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया ई और ये आपका हो गया डी। तो ये बताइए कि बी डी, बी डी का मान आपको दिए हैं 1.5 मीटर, अर्थात लड़के की लंबाई जो है यही तो है, तो ये आपका 1.5 मीटर है यहां से यहां तक, तो ये मान कितना हो जाएगा बताइए, पूरा 30 है तो जब ये 1.5 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28.5
5, तो 28.5 ये हो गया एडी का मान। एडी का मान कितना हो गया, एडी का मान हो गया 28.5 मीटर। चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो बताइए कि भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है, इसका मतलब यह है कि भवन से वो कितनी दूरी तक, क्या बोल रहे हैं, बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो ये मान लीजिए कि भवन यही है और यहां से ये कितनी दूरी चलकर गया है, ये चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको यही ज्ञात करना है कि ये भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया था, अर्थात हमको x का मान यही निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए डी सी। अगर हम त्रिभुज ए डी सी ले लें तो हमारा मान क्या हो जाएगा बताइए, ए डी सी अगर हम ले लेते हैं, या हम तो ए डी सी ने हम ए डी बटे सी डी, ए डी बटे सी डी, अर्थात ए डी हमारा क्या है, ए डी हमारा है लंब और सी डी हमारा है आधार। तो ऐसा कोई सूत्र बताइए जो लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार यानी क्या, टैन थीटा, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और थीटा का मान 30 अंश है, तो टैन 30 अंश बराबर लंब, लंब कितना है 28.5, और बटे आधार, आधार यानी कि सी डी, और सी डी का मान हम कितना माने हैं, यक्ष माने हैं, तो बटे यक्ष। तो यहां से जब हल करेंगे तो टैन 30 अंश का मान हमारा पास √3 बराबर 28.5 बटे यक्ष। ठीक, ये चीज है। अब जब इसको हल करेंगे तो यक्ष का मान आ जाएगा हमारा 28.5 अंडर रूट 3 मीटर। तो ये चीज तो है कि जो लड़के की टोटल दूरी है वो हो गई हमारी 28.5 अंडर रूट 3 मीटर। उसके बाद देखिए, अब ये हम डी सी का मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में, तो जब त्रिभुज ए डी ई लेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, थीटा का मतलब 60, टैन 60 अंश बराबर लंब अर्थात ए डी बटे आधार, आधार का मतलब डी ई, तो टैन 60 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बराबर ए डी, ए डी का मान हमको दिए हैं 28.5 बटे डी ई, और डी ई का मान हमको कितना दिए हैं, डी ई का मान नहीं दिए हैं, तो बटे डी ई। तो यहां से जब मान निकालेंगे तो अंडर रूट 3 डी ई बराबर 28.5, या फिर यहां से हम डी ई का मान निकालें तो 28.5 बटे अंडर रूट 3 मीटर। ये चीज है, ये आपका DE का मान है और वो आपका उसका मान है। तो अब देखिए हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो अब सुनिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कि वह एक लड़का था जो 1.5 मीटर लंबा था और भवन 30 मीटर ऊंचा था, उसकी ओर उस दूरी पर खड़ा था। मान लीजिए लड़का यहां पर खड़ा था और तब उसकी आंख भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। पहले 30 अंश था फिर 60 अंश था, तो वही बोल रहा है कि मकान की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, अर्थात हमको सी ई का मान ज्ञात करना है। हमको किसका मान ज्ञात करना है, हमको सी ई का मान ज्ञात करना है। तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, सी ई बराबर हो जाएगा आपका सी डी माइनस डी ई। यही चीज है, यही दोनों हल कर लेंगे और हमारा मान निकल आएगा। तो सी डी, सी डी का मान कितना निकाला है, ये देखिए यहां पे सी डी यक्स माने हैं ना पूरा, तो यक्स का मान अर्थात 28.5 अंडर रूट 3, और माइनस डी ई का मान ये है 28.5 बटे अंडर रूट 3। तो जब यहां से हम 28.5 का मान ले लेंगे, 28.5 इसमें भी है, 28.5 इसमें भी है, तो 28.5 कामन ले लीजिए। तो जब कामन ले लेंगे बचेगा क्या, अंडर रूट 3 माइनस 1/√3, या फिर 28.5 अंडर रूट 3 लघुत्तम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, या फिर 28.5 इंटू 2/√3
थ्री, इसका गुणा कर देंगे तो दो पांच दस की जीरो, हंसे लगे एक, दो आठ सोलह एक सत्रह सात, हंसे लगे एक, दो दूना चार एक पांच, दशमलव और अंडर रूट थ्री। तो अब देखिए अगर ये तीन हो जाएगा, तीन का लंब तीन दो पांच अर्थात अंडर रूट तीन से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सत्तावन अंडर रूट तीन और बटे इसको काटेंगे तीन हो जाएगा, तीन का लंब तीन और तीन नवा सत्ताईस यानी कि उन्नीस अंडर रूट तीन मीटर, यही आ गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये चीज है आज हम लोगों ने अगला तीन क्वेश्चन देखा है। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको देख लीजिए, इसको एक बार आप बैक करके फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, कहीं दिक्कत हो